गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में सुबह 7 बजे से कर रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं सूर्या लेक मंदिर, जो चोरदरिया पे स्थित है, किलोमीटर अंदर है वहाँ से। तो वहाँ हम जा रहे हैं, मैं, कन्नू, ज्योति और श्री। और आज श्री और मैंने सेम ड्रेस पहनी है। ये है श्री की ड्रेस जो मैंने कल ही स्टिच करी थी। तो हमने सोचा आज हम मंदिर जा रहे हैं तो आज हम रेड रेड सा बन के जाएं। तो मैंने इसको भी रेड कलर की ड्रेस पहना दी और अपनी भी पहन दी। तो मिलते हैं हम आपको रास्ते पे या मंदिर पे, जैसा भी होगा मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में, आप देखते रहिएगा आगे तक। और अभी बारिश भी हो रही है, हल्के हल्के छींटे आने लग गए हैं। कहते हैं कि वहाँ बारिश मिलती है नहीं मिलती है। वैसे तो हम छाता वगैरह सब लेके जा रहे हैं पूरी तैयारी में। देखते हैं आगे मौसम दिखाती है। हम लोग अब निकल रहे हैं घर से, तो हम घर से निकल गए हैं मंदिर के लिए। जय सूर्या देवी माता की जय, माता दी सूर्या जय। और आगे मैं दिखाते रहूंगी आपको कैसा रास्ता है। वैसे तो वहाँ जंगल के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे गौला भी है और जंगल भी है बीच में, और पेड़ों के नीचे माता का वास है। तो यहाँ पे अभी पेट्रोल भरा लेते हैं। तो यहाँ पे करण भी आ चुके हैं, ये भी हमारे साथ मंदिर चल रहे हैं। और ये मेरी पौनी के बेटे हैं दुर्गा जी के। वैसे आप सोचते होंगे कि मेरी इतनी सारी दीदियाँ हैं, मेरी 7 दीदियाँ हैं, अभी आई हूँ, 6 दीदियाँ हैं, 1 बहन है हमारे। और जब मैं किसी से बोलती हूँ कि मेरी 7 पौनियाँ हैं, नंदे हैं, तो लोग कहते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे हमारी एक दीदी आने वाली है, उन्हें हमने सामान देना है। तो यहाँ पे ये आ गई है। दीदी प्रणाम, मंदिर जा रहे हो? हाँ, बाय। ठीक है, बाय, बहुत हो रही है। ठीक है, ठीक है। आज का मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, सुनहरा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम। हम तो सोच रहे कल धूप मिलेगी और यहाँ पे इतनी गर्मी होती है पत्थरों से, पर सूर्या देवी माता ने हमारे लिए मौसम भी इतना अच्छा कर दिया है कि ठंडा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर से है ये मंदिर का रास्ता, ये मंदिर है जय माता रानी। यहाँ से हम अंदर को एंट्रेंस करेंगे, चलते रहो नहीं तो ये अब यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। रोक दो। और यहाँ पे आपको एक पंडित जी मिलेंगे, ये टीका लगाते हैं सबको और इनको हम दक्षिणा देंगे। पंडित जी प्रणाम। हमने टीका लगा लिया है, अब हम मंदिर को प्रवेश करते हैं। जंगली जंगल दिखाऊंगी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी में है मंदिर, 5 किलोमीटर जंगल पड़ेगा। यहाँ पे जंगलों में आग जला रखी है, तो सारे जंगल ऐसे लग रहे हैं थोड़े से सूखे सूखे से। तो ये श्री जब से घर से निकली है तब से ही सोई है, हम मंदिर में पहुंचने वाले भी हैं और ये वहां पर सोएगी, क्योंकि ये अच्छे से नींद में रहेगी तो ये फिर परेशान नहीं करती है। अगर इसकी नींद डिस्टर्ब कर दो तो ये बहुत परेशान करने लग जाती है। पहले अपनी अपनी जान स्वयं बचाए, ठीक है, हमारी कौन बचाएगा फिर। मैं तो हीरो तो हूँ नहीं साउथ इंडियन का, जो मैं आपको यहाँ पर फाइट करके इनसे बचा लूंगा। और ये है कि 2 पांव भगवान ने सबको दिए है, अपनी छोटी बच्ची को जरूर बचाऊंगा, क्योंकि इसको अभी चलने की उतनी कुत नहीं है, तो इसको मैं बचा के भगा सकता हूँ। एक को बचा सकता हूँ, बस मेरी चेली, मेरे को है मेरी बिटिया। और हम आगे पीछे वही मैं कह रहा हूँ, भागना तुमने अपने 2 पांव से। तो गाइस अभी यहाँ पे बात हो रही है कि अगर यहाँ पे चोर लुटेरे आ गए तो हम क्या करेंगे, तो ये बोल रहे हैं सब अपने पैरों से भागोगे। मैं बस श्री को लेके भाग जाऊंगा। पहुंच गए हैं।
आज संडे वैसे ज्यादा भीड़ तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ सैटरडे और ट्यूसडे की भीड़ होती है। गहरा भीड़ होगी तो होगी, पर फिर भी दिखाई दे रहे हैं लोग आगे से आते हुए। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। तो गाइस हम सूर्या देवी मंदिर आ चुके हैं। श्री आज मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ और मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ पहले भी। बैनी का सामान अभी मत लेके आना, पहले जाओ करण प्रसाद लेके आओ ना। अरे वो क्या क्या लेके आएगी, तुम बहुत काम चोर हो, तुम कितने काम चोर हो यार। हाँ तो अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। दर्शन करने को चल रहे हैं। माता कहा जाता है कि माता बकरे की बलि लेती है, तो वहाँ पे भैरव देवता का मंदिर है, वहाँ पे बकरे मतलब काटे जाते हैं और वहाँ पे उनकी बलि ली जाती है। तो मैं आप भैरव देवता का मंदिर भी दिखाऊंगी। तो ये है, ये वो स्थान है जहाँ पे बकरों की बलि ली जाती है और ये है भैरव देवता का मंदिर। अभी भी यहाँ पे बकरों की बलि ली होगी तो शायद सैटरडे को, कल ही मतलब आज संडे है, हम संडे को आए हैं तो वहाँ पे इतना ब्लड पड़ा हुआ है बकरों का। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा जी की कुटिया, माता के दर्शन तो हो गए हैं, अब जाते हैं बाबा जी की कुटिया में। यह है बाबा जी की कुटिया का मुख्य द्वार, चलते हैं ऊपर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। Mm-hmm.
बिल्कुल जा रहे हैं क्योंकि हमारी पूजा हो गई है पूरी। यहाँ एक बाबा को भी कुटा था एक दिन। कब? लोग कहते थे वो माता रानी का अवतार था करके। अच्छा पता नहीं, बाबा बाबा को लड़ाई हो गई थी। ये बता रहा है कुछ स्टोरीज को, कुछ पता तो रहता है नहीं। नवरात्रि के टाइम पे हुआ था, कुछ भी बताते रहते हैं इसलिए ये बातों को इग्नोर मारना। मेंटल पड़ोसी चल रही है मेरे पीछे। तो हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, सबसे पीछे मैं ही रह जा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो हम दीदी के यहाँ पहुंच गए और ये डॉगी हमारा स्वागत कर रहा है। आ रहे बेटा आ रहे, आप ही क्यों ही आ रहे हैं? हम जुलाई पर ही दीदी भी आ गई है। अब हमने खाना वाना खा लिया है दृष्टि, अब हम बिस्तर में आराम कर रहे हैं। अब हम दीदी के वहाँ से घर को निकलते हैं, 5 बज रहा है अभी। देखो घर कितने बजे पहुँचते हैं, रुकते रुकते जाएंगे, वैसे तो पता ही है मुझे रात हो जाएगी। हाथी के लिए रुके थे। अरे ये हाथी को देखना होता तो मेरे पास चलो यार। वैसे मैं तो देखता ही हूँ अपने, हाथी तो बहुत देख लिया मैंने। ये देखो गाइस हाथी आया है यहाँ पे, ये चोर गलिया वाले, उसमें कितना बड़ा है भयंकर। ये रहा ये पानी पी रहा है, ये हाथी के लिए ही वो बनाया है। गाइस यहाँ पे तो अब बारिश हो गई है बहुत अच्छी और मौसम हो गया है बहुत सुनहरा, ठंडा ठंडा मौसम। आज तो हमारे मजे ही आ गए हैं, आज तो हमें बहुत मजा आया ठंडा ठंडा मौसम में।